आकृतियों के साथ एक चित्र बनाना। आज हम बच्चों को सिखाए गए आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त से उनके मनपसंद चित्र बनाना सिखाएंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आज छोटू और पिंकी पार्क में मिट्टी में खेल रहे हैं। पिंकी, ये देखो, मैंने मिट्टी में ये घर बनाया है। अरे वाह छोटू, यह घर तो अलग अलग आकृतियों से बना है। ये है तीन रेखाओं से बनी आकृति और ये है चार रेखाओं से बनी आकृति। हाँ पिंकी, तुम्हें याद है कि कल मैडम ने हमें क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और चार रेखाओं से बनी हुई आकृति को आयत कहते हैं। तुम दिखाओ तुमने क्या बनाया है। छोटू, मैंने तो अब तक बस सूरज ही बनाया है। अब मैं भी तुम्हारी जैसा एक घर बनाऊंगी। पिंकी, सूरज के लिए तुमने गोल आकृति बनाई है, इसका मतलब ये वृत्त है ना? हाँ छोटू, कल मैडम ने बताया था कि ऐसी गोल आकृतियों को हम वृत्त कहते हैं। आपने देखा वीडियो में किस प्रकार पिंकी और छोटू मिट्टी में आकृतियों से चित्र बना रहे हैं। उसी प्रकार बच्चों को अपनी कॉपी में आकृतियों से अपना मन पसंद चित्र बनाने के लिए कहिए। आइए मैं एक उदाहरण दिखाती हूँ। यह है मेरा चित्र। ये है वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत। मैंने प्रत्येक आकृतियों के साथ चित्र को